राहुल भाई, किताब में और आपकी नॉलेज में इतनी चीजें हैं कि हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि किताब की कुछ चीजें जानबूझकर छोड़ दी जाएं ताकि जी लोग किताब भी पढ़ें। लेकिन एक प्रसंग है जो मैं, मतलब क्या जिसको कहते हैं ना संस्कृत में, लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं इस बात का कि आप दर्शकों को बताएं उसके बारे में। बीएसएफ के ऑफिसर नरेंद्र नाथ धर दुबे, और किस तरह से वो गाजी बाबा वाला एनकाउंटर होता है, उसकी आप एक झलकी बता दीजिए। बाकी तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रीडर्स बुक में पढ़ेंगे, क्योंकि वो उस डिटेलिंग के साथ पढ़ने पे जो आपको समझ में आता है कि जो सुरक्षा बल हैं वो क्या क्या कर गुजरते हैं। पत्नी तीज के व्रत पर इंतजार कर रही है, और फिर वो 2 बरस बाद जब अपने एक साथी के उसमें सहारे से पहुंच रहे हैं, कितने बरस तक एम्स जा रहे हैं, और वो एक्चुअली में वहां पर क्या हुआ, आईवी को भी नहीं पता कि ऑपरेशन चल रहा है, रात में पहुंच गए ऑपरेशन चल रहा है, अभी इट्स बिल्कुल नर्व रैकिंग। मेरे लिए सबसे बड़ी सनसनीखेज घटनाक्रम ये था सौरभ, जब मैंने इस किताब का रिसर्च करना शुरू किया पुलवामा के बारे में, तो मैं फॉलो कर ही रहा था उसको, और लगातार जो अधिकारी उसकी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, एनआईए से या जम्मू कश्मीर पुलिस से या बाकी सारी एजेंसियां, मिलिट्री इंटेलिजेंस वगैरह, उनसे मैं लगातार संपर्क में था, और मैं देख रहा था कि केस कैसे आगे बढ़ रहा है। काफी चीजें मुझे नहीं पता चल रही थी क्योंकि वो अभी आगे बढ़ रही थी, तो जाहिर सी बात है कि वो मेरे साथ शेयर नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे चीज बढ़ता मुझे एक थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा था, और मुझे लगा कि जब मैं किताब लिखूं, इसमें एक बहुत जरूरी चीज है, वो गाजी बाबा का जो कैरेक्टर है वो बड़ा जरूरी है, और जब तक मैं गाजी बाबा का कैरेक्टर अपने पाठकों को नहीं समझा सकता, तब तक ये किताब मुझे लगा कि ये इनकम्प्लीट रहेगी। जब गाजी बाबा का एनकाउंटर होता है, तब मैं एक जूनियर रिपोर्टर था, और उस वक्त चीजें मैंने देखी, और उसके बाद भी मैंने खंगाली, तो मैंने बड़ा एक आश्चर्यजनक चीज पाई कि उसकी बहुत कम कवरेज हुई उस जमाने में। मतलब टेलीग्राफ में एक छोटी सी खबर है, रिडीफ पर एक छोटी सी खबर है, और मतलब कहीं ना कहीं कुछ इधर उधर करके गोल मटोल करके उसको कर दिया गया, और मुझे लगा कि वो बड़ा जरूरी। मुझे नाम भी पता नहीं था कि कौन लोग इसमें शामिल हैं, और मुझे मालूम था कि बीएसएफ का ऑपरेशन है और क्या है, तो किसी एक स्कूल से मुझे पता चला कोई बीनू चंद्रन है बीएसएफ के अधिकारी, वो इस ऑपरेशन में शामिल थे। और चूंकि पुलवामा में तरह तरह के, आपको याद होगा कि पुलवामा का जब घटनाक्रम हुआ और तमाम तरह की रिपोर्ट्स आने लगी, तमाम तरह के समाजशास्त्री और जर्नलिस्ट उसमें लग गए कि साहब अब उनकी जो 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 लोग उसमें मारे गए उनका कास्ट आप देखिए, कितने अपर कास्ट हैं, कितने लोअर, सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं, कितने वो फलाना कास्ट है। तो मुझे मतलब मैं इतने सालों से सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी को कवर कर रहा हूँ, हालांकि ये चीजें बड़ी स्टीरियोटाइप हो जाती हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसी फीलिंग में रहा उनके साथ, लोगों के साथ, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आर्मी में, उनकी वेशभूषा, बातचीत करने का ढंग, जो हिंदी हार्टलैंड से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, उनके अलग अलग वो हो सकती हैं, लेकिन जब एक बार वो यूनिफॉर्म डॉन कर लेते, मैंने किसी भी तरह का इस तरह का नहीं पाया कि अब वो फलाना कास्ट का है या लिमकाना कास्ट। इस तरह मैंने कभी अपनी बहुत ही क्लोज और इंटीमेट बातचीतों में भी नहीं राहुल पाया, भाई, कुछ लोगों की दुकानदारी ही इसी पे चलती है कि वो हर चीज में कास्ट खोज लें, हर चीज में कास्ट खोज लें। हर चीज में कास्ट, और अब मतलब क्या कह सकते हैं। और तो फिर मैंने देखा कि ये लोग हैं। अब चूंकि अभी हमें आज के वक्त में, पिछले कुछ सालों से कश्मीर में कुछ भी होता है, हमें इस चीज का तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे पास, व्हाट्सएप पे चीजें वायरल हो जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता आज के वक्त में जो भी, जिसके पास भी इंटरनेट एक्सेस है, उसने चेतन कुमार चीता का नाम नहीं सुना होगा, जो सीआरपीएफ के बड़े ब्रेव अधिकारी, जिन्होंने काफी सारी गोलियां खाई और फिर वो विगत हाल फिलहाल में बीमार पड़ गए, और इस तरह की चीजें हुई, तो इस तरह के काफी केस हमारे। लेकिन ये घटना उस वक्त की है जब ये इंटरनेट वगैरह हमारे यहाँ बहुत ही कम था, और ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं हुआ करता था उस जमाने में, क्या हुआ क्या नहीं, और ये घटना जो है किसी तरह दब गई। इस घटना की जब मैंने छानबीन शुरू की, मैंने अपने बीएसएफ के मित्रों से पूछा, और पूछते पूछते काफी वक्त मुझे लगा, अल्टीमेटली मुझे सफलता मिली जब मुझे दो तीन लोगों का नाम बताया गया, जिसमें ये 2IC थे उस जमाने में, नरेंद्र नाथ
धर दुबे साहब, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बीएसएफ के ऑफिसर हैं, अभी भी कार्यरत हैं। और ये मेरे को ये जानकर भी आश्चर्य हुआ कि ये एनआईए में भी काम कर चुके हैं, जब एनआईए का शुरुआत में ये काम कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से इकलौते एक ऐसे नॉन आईपीएस ऑफिसर हैं जिनको अपने एक्सपीरियंस से उस वक्त एनआईए में जुड़ने का मौका मिला, तो बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं। तो उनसे मेरी बातचीत हुई और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं, हालांकि उन्होंने औपचारिक तौर पर मुझे नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा कि उनके दिल में कहीं ना कहीं इस बात की टीस है कि उस वक्त जो बीएसएफ ने कम से कम जिस तरह की चीजें उस वक्त अंजाम दी, गाजी बाबा को मार गिराया जो पार्लियामेंट का मास्टरमाइंड था, और उन्होंने उस वक्त उस ऑपरेशन में जैसी बहादुरी दिखाई, उसका श्रेय कहीं ना कहीं या उसके बारे में बातचीत कहीं ना कहीं नहीं हुई। और जब मैं उनके साथ बैठा और जैसे मैं उस चीज को रिकॉर्ड कर रहा था, नोट कर रहा था, उसके बाद मैंने उन सारी चीजों को कोराबोरेट किया मल्टीपल सोर्सेज से, मुझे लगा कि अगर एज अ लेमैन, अगर मैं ये किसी टेलीविजन सीरीज में या नेटफ्लिक्स पे ये कहानी देखता और मुझे ये कहा जाता कि ये सत्य घटना पर आधारित है, तो मैं कहता कि मेरा उल्लू बनाया जा रहा है, ये संभव ही नहीं है कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं और इस तरह इन्वेस्टिगेशन किसी चीज पे आगे बढ़ सकता है। मतलब ये फिल्मी से भी फिल्मी है, या जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेंजर देन फिक्शन, ऐसा लगा। लेकिन ये बात सच है और ये एकदम तथ्य है, और ये स्टोरी चाहे जितनी भी फिल्मी है लेकिन इसका हर एक अंश सच है। और बात वही है कि जो करेज दिखाता है, जो हार्डवर्क करता है, लक भी उसी का साथ देती है, जैसे 2019 में एनआईए के अफसरों को मिली, उसी तरह बीएसएफ के ऑफिसरों को मिली, नरेंद्रनाथ धर दुबे, सीपी त्रिवेदी साहब, एमआर बीनूचंद्रन, और इन्होंने कितना बलिदान दिया उस वक्त। मतलब मैं उनके घर पे गया और मैंने उनसे बात की, मतलब उनका पूरा इंटेस्टिन्स कहीं नहीं है, एक गोली अभी भी अंदर लॉज्ड है और वो कैसे बचे, एक गोली यहाँ मेडल में लगी है, क्योंकि पहला जो असॉल्ट हुआ गाजी बाबा पे वो वहां पर थे, और एक आदमी जो उनका ऑपरेटर था बलबीर सिंह, वो वहीं शहीद हुआ, और एमआर बीनूचंद्रन ऊपर फायरिंग करते करते उनको बचाने की कोशिश करने में काफी सारे लोग लगे हुए थे, और उसके बाद वो गिरे और जिप्सी में जाके गिरे, पुलिस की जिप्सी में जाके, और उसके बाद उनकी तमाम तरह की इंजरीज उनको आई, उसके बाद मेडिकल ग्राउंड्स पे उनको जो है सेवानिवृत्त होना पड़ा। तो इस तरह की चीजें नहीं आई। तो मैंने बीनू से भी उसके बाद बाकी, तो उसके उनके मन में भी यही, वो प्राइवेट सेक्टर में अब काम करते हैं, लेकिन उनके मन में भी बहुत बड़ी टीस मुझे दिखाई दी कि हमारा, हमने जो काम उस वक्त किया, और ये काम मैं आपको बता दूं सौरभ, बहुत मुश्किल काम था उस वक्त, क्योंकि ये हम मिलिटेंसी की पीक के बारे में बात कर रहे हैं, 90s में बीएसएफ ने उस जमाने में कैसे काम किया, जैसे किताब में भी दुबे साहब उसका जिक्र करते हैं कि मतलब डाउनटाउन श्रीनगर में फायरिंग हो रही है, उसी फायरिंग के बीचों बीच आप एक तरफ से सैंड के रेत के बोरे लगाकर अपना एक बंकर खड़ा करते हैं, और दूसरी तरफ से खड़ा करते हैं, फिर तीसरी डायरेक्शन में खड़ा करते हैं, चौथे डायरेक्शन में खड़ा करते हैं, इस तरह की स्थिति में आपका पिकेट खड़ा हो जाता है। उस वक्त फैसिलिटीज भी बहुत कम थी, आज की जैसी सुविधाएं नहीं थी जितनी आज मिलती हैं, उस वक्त वैसे हॉस्टाइल कंडीशन में काम करना, और उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ गाजी बाबा को उसके डेन में जाकर खत्म करना, मुझे लगता है कि ये अभूतपूर्व काम है। और जब मैंने इस स्टोरी को सुना, मेरा एक बड़ा लक्ष्य ये था, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि कम से कम मैं इसका एक, इस कहानी का एक जरिया बना। पुलवामा की कहानी तो है अपने आप में इम्पोर्टेंट, लेकिन ये गाजी बाबा की कहानी जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि गाजी बाबा जो इंफ्रास्ट्रक्चर 90s और अर्ली 2000s में जमाता है कश्मीर में, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैश लीडरशिप, जो वहां की टेररिस्ट लीडरशिप है, आज भी कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करती है, उसी कहानी बड़ी जरूरी थी। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि मैं उस कहानी का जरिया बना और मेरे थ्रू ये कहानी बोली गई। मुझे लगता है ये मेरे करियर का एक बड़ा हाईलाइट रहेगा पर्सनली मेरे लिए, आपके लिए भी और एज अ रीडर मेरे लिए भी। मतलब मैं अगर जब इन कहानियों की बात करूंगा तो इदरीस के बारे में कैसे पता चलता है राकेश को, वो कहानी कि गुड कॉप बैड कॉप, और एक आतंकवादी है जो बोल रहा है मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही, रो रहा है,
और राकेश धर दुबे, सॉरी ये नरेंद्र नरेंद्रनाथ धर दुबे, इनकी कहानी मतलब वो इतना चिलिंग इफेक्ट है ना कि अंदर आतंकवादी छिपे हैं, बीच में शीशा और आप उस शीशे को देख के बाल खींच रहे हैं, और फिर एकदम सब होता है, और फिर जो आपने बताया कि बीनू वगैरह को कैसे वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है, और वो एक औरत है वो मोमबत्ती लेके आ रही है और नीली कमीज में, वो एक आदमी को जमीन पर देखती है और फिर लौट जाती है, और बाद में वो पाकिस्तान भी भाग जाती है, उसकी तस्वीर भी है, वो बहुत चिलिंग है। इसको आगे बढ़ाते हैं, ऐसा ही एक किरदार है। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ बताना चाहता हूँ मैं, वो उसी बात पे फिर आता हूँ। जब मैंने पहली बार जब मैंने इस बातचीत की शुरुआत में कहा कि देखिए ये बात हमको माननी पड़ेगी कि कहीं भी इंसर्जेंसी अगर आपको फाइट करनी है, जब तक वहां की लोकल पॉपुलेशन, जब तक वहां की लोकल स्टेट पुलिस उसमें स्टेक होल्डर नहीं बनती है, तब तक कोई भी इंसर्जेंसी आप विन नहीं कर सकते। आपके पास पंजाब का बड़ा एग्जाम्पल है, पंजाब में सीआरपीएफ बेसब ने बहुत ट्राई की, जब तक पंजाब पुलिस खुद उस लेवल तक नहीं पहुंची कि वो उनका तब तक नहीं हुआ। ये कश्मीर के बारे में भी सही है, तो जो मैक्सिमम काम है वहां की जम्मू कश्मीर पुलिस करती है, उसका श्रेय उनको मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बड़ी खास बात है कि अब गाजी बाबा का इनकाउंटर आपने कर दिया, लेकिन उसकी 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 पत्नी पाकिस्तान कैसे भाग गई, उसके बाद उस मकान का जो मालिक है उसके साथ क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। और ये चूंकि इन्वेस्टिगेशन उसके बाद उसके बेटे ने क्या किया, मकान मालिक के बेटे ने क्या किया, कोई आपने मार दिया, ये आपके लिए बड़ी सफलता है, लेकिन उसके बाद क्या, उसकी और भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। वो जड़ नहीं उखाड़ी ना तो दोबारा से पनप गई चीजें कुछ कुछ जी। ये बड़ी दिक्कत है, और यही दिक्कत आपको जो वो बौना आदमी है नूर त्राली उसके केस में भी दिखाई देती है।